मैं भी आपको शीघ्र पतन के बारे में बताने वाला हूं। उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी बोलते हैं या अर्ली इजैकुलेशन भी बोलते हैं। तो दोनों को, पति पत्नी को, मन का समाधान नहीं मिलना, इतना प्रक्रिया मतलब नहीं मिलने, इतनी प्रक्रिया चालू नहीं रख सकते कि दोनों का समाधान नहीं हो रहा। मतलब वीर्य स्खलन जल्दी हो जाता है तो पत्नी का समाधान होता नहीं, और वीर्य स्खलन जल्दी होता है इसलिए पुरुष का भी, आदमी का भी समाधान नहीं हो रहा है। तो जब दोनों में से किसी का भी समाधान नहीं हो रहा है समागम करने के बाद में, तो उसको बोलते हैं कि भाई वो शीघ्र पतन है, प्री मैरिज इजैकुलेशन। मतलब समाधान दोनों का होना जरूरी है, यदि एक का भी समाधान नहीं होता है तो समझना कि वो प्री मैरिज इजैकुलेशन है या शीघ्र पतन है। तो भी शीघ्र पतन मतलब और क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि संभोग करने के समय जब शिश्न का प्रवेश स्त्री के योनि में होता है तो प्रवेश होने के पहले ही वीर्य का स्त्राव हो जाना या वीर्य पतन हो जाना, वो एक हो सकता है। दूसरा, शिश्न का योनि में प्रवेश करने के तुरंत बाद वीर्य स्त्राव हो जाता है या वीर्य पतन हो जाता है, वो तुरंत बाद भी हो सकता है। या समागम चालू करने के बाद में कुछ समय बाद स्त्राव हो जाता है, वीर्य पतन हो जाता है, और उसको लगता है आदमी को भाई नहीं मेरा समाधान नहीं हुआ, और स्त्री का भी समाधान नहीं उसमें। मतलब ऐसे अलग अलग उसमें रहती है, तो उसका कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई टाइम कितना। क्योंकि काफी लोग मेरे पास में जब आते हैं बोलते कि नहीं मैं 10 मिनट या 15 मिनट सेक्स नहीं कर सकता हूं इसलिए मेरे पास में लोग आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10-15 मिनट, आप 2 मिनट में भी करते हो, और दोनों को यदि मन की शांति मिलती है और दोनों भी सुखी रहते हैं, समाधान में रहते हैं वो सेक्स होने के बाद में, तो वो शीघ्र पतन नहीं है। और यदि 10 मिनट भी करते हैं और उसमें समाधान सुख शांति नहीं मिलती है तो फिर इसका मतलब वो भी फिर वीर्य पतन जल्दी हो सकता है या शीघ्र पतन हो सकता है। अभी होता क्यों? शीघ्र पतन जो है ना उसका मतलब 101% कारण जो है वो है मन का, मतलब मन की वजह से, दिमाग में टेंशन आने की वजह से। ये हुआ कैसे? एक तरह की हैबिट है। क्यों हुआ? होता क्या है कि शादी के पहले यदि लड़का कहीं वेश्या के पास में जाता है, कोई अपने प्रेमिका के पास में जाता है, कोई लड़की के पास में जाता है, और वहां जल्दी जल्दी में संभोग करने की कोशिश करता है, तो होता है कि उसको जल्दी दिमाग से मतलब मन से आदेश निकलते हैं शिश्न तक कि जल्दी फेंको और जल्दी फ्री हो जाए। या फिर खेत में जाते हैं किसान, और वहां खेत में कहीं झोपड़ी में या जो फसल रहती है उसमें या कहीं भी उनको जहां भी चांस मिला वहां कर लेते हैं, या नाले के बाजू में या नदी के बाजू, मतलब कहीं भी जहां चांस मिला वहां कर लेते हैं, तो वहां भी जल्दी जल्दी करने की इच्छा हो जाती है और वहां फिर शीघ्र पतन हो जाता है। और बार बार एक बार मतलब 2-4 बार ऐसा हुआ तो उसकी आदत लग जाती है। कभी होता क्या है कि घर में प्राइवेसी नहीं मिलती, लड़के मतलब छोटा घर है, लड़के लड़कियां बाहर है, वो आ जाएंगे करके जल्दी काम कर लेना, या फिर कोई घर में वो उड़ जाएगा इसलिए जल्दी कर लेना। मतलब ऐसी जल्दी करने के आदेश दिमाग से जब निकलते हैं और वो आदेश जब शिश्न तक चले जाते हैं तो वो शीघ्र पतन हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि मतलब बच्चे घर में सोए, एक ही कमरे में सोए, और उनको मतलब ऐसा लगता है कि वो जाग जाएंगे या पूरे सोएगी नहीं मालूम नहीं है, और उठने में जल्दी कर लेने का। कभी कभी लोग रात को बच्चे जल्दी सोते नहीं तो फिर सुबह उठ के करते, और सुबह उठ के करते तो फिर वही है कि बच्चे जाग जाएंगे तो जल्दी कर लो। तो इस तरह का जहां भी जल्दी करने का है, जैसा वेश्या के पास में जाते हैं तो वहां डर रहता है पुलिस आ जाएंगी या कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, तो उससे बोले जल्दी निकल जाओ यहां से करके, या जो वेश्या है उसको बोलते कि जल्दी कर, और वो टेंशन देती कि उसको तो कोई इंटरेस्ट रहता नहीं, उसको इंटरेस्ट रहता है पैसे कमाने में, तो उसको कोई लंबा चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उसका ये रहता है कि जल्दी कर लो और जल्दी फ्री हो जाओ और पैसा ले लो। जैसे काफी सारे कारण जब होते हैं कि काम वासना तो बहुत ज्यादा आ जाती है, टेंशन आ जाता है और फिर जल्दी फेंक जाता है। इसमें यह भी होता है कि शादी के बाद में तुरंत बाद यदि पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और यदि पहले मतलब बहुत दिन के बाद में यदि मतलब वो सेक्स कर रहा है, या पहला कुछ भी कभी सेक्स किया नहीं है, या पहले मास्टरबेशन हस्तमैथुन भी किया नहीं है, तो शादी के कुछ दिन तक जल्दी गिर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी ऊर्जा रहती है, सेक्सुअल एनर्जी रहती है, और शादी के बाद में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है,
और एक्साइटमेंट से शादी के तुरंत बाद कुछ दिन तक जल्दी वीर्यपात हो जाता है, वो भी नॉर्मल है। मगर वो जल्दी वीर्यपात होने से होता क्या है कि उसके पत्नी को समाधान नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, फिर वो चिड़चिड़ करती है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके जरूरी है कि पहले काम क्रीड़ा करो, पहले बहुत फोर प्ले करो, खेलो, और बाद में फिर सेक्स करो, ताकि पत्नी को समाधान मिल जाए। पत्नी को समाधान मिलने के लिए एक्चुअली शिश्न का योनि में प्रवेश होना जरूरी नहीं, क्योंकि स्त्री को समाधान सिर्फ जो शिश्निका जो रहती है, मतलब आदमी को जैसा शिश्न रहता है वैसे स्त्री को शिश्निका रहती है। वो शिश्निका को यदि वो उद्दीपित करता है, उत्तेजित करता है, तो उसको समागम इतना, संभोग इतना आनंद मिल जाता है। तो स्त्री को आनंद शिश्निका के उद्दीपन से मिलता है। अंदर शिश्न मतलब शिश्निका योनि में प्रवेश जाने से होता ही है, और ज्यादा उसको आनंद शिश्निका के घर्षण से या शिश्निका को मतलब स्टिम्युलेट करने से, टिकलिंग करने से मिलता है। तो पहले वो काम क्रीड़ा करते हैं, शिश्निका को उसको मतलब स्टिम्युलेट करते हैं, और बाद में फिर संभोग करते, तो स्त्री भी मतलब उसकी पत्नी भी, उसको भी शांति मिलेगी, समाधान होगा और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो शादी के बाद में कुछ समय तक हो सकता है ऐसा। तो इसका इलाज क्या है ये जो करते हैं, तो इसका इलाज है मास्टर एंड जॉनसन करके जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो टेक्निक निकाला वो टेक्निक से इनका इलाज करना, मानसोपचार। तो हम दोनों को भी बुलाता हूँ, पति पत्नी को बुलाता हूँ, और वो जो टेक्निक है कि जो टेक्निक में एक दिया है कि फीमेल सुपीरियर पोजीशन। अभी मैं यहां तो पूरा बता नहीं सकूंगा, जब वो आते हैं तब वो बताते कि पहले जैसा हम रूटीन कैसा करते हैं, मेल सुपीरियर को मतलब पुरुष ऊपर स्त्री नीचे, तो हम वो मास्टर जॉनसन में हम उनको सिखाते पहले फीमेल सुपीरियर पोजीशन, फिर लैटरल पोजीशन एंड देन मेल सुपीरियर पोजीशन, मतलब इसमें वो संभोग करना उनको सिखाते, उनको टीचिंग देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मानसोपचार करते हैं, उनका जो गलत फहमी है वो निकालते हैं कि शुरू कैसे हुआ और हैबिट कैसे लग गई शीघ्र पतन की, उसके लिए कुछ दवाई भी है, मतलब ऐसे सारा करके जो दवाइयां है, तो ऐसे सारा फ्लॉक्सिटिन है या सर्ट्रालिन नाम की जो गोली है, ऐसी कुछ दवाइयां हैं कि जो दवाई लेने से वो जो शीघ्र पतन जो है वो काफी समय तक मतलब लंबा सकते हैं, और उससे भी उनको आराम बढ़ता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा शीघ्र पतन हो गया तभी मेरा समझो पहली बार हुआ तो फिर ठीक है, दूसरी बार तो मैं करूंगा तो फिर उसमें मैं बराबर कर सकूंगा, बराबर है। एक बार हो गया उसमें जल्दी हो गया, फिर दूसरी बार उसको टेंशन आने को टाइम लगता है, मगर शीघ्र पतन जल्दी होता नहीं। तो फिर ऐसी कुछ दवाइयां हैं कि जिसका असर 24 घंटे से 36 घंटे चलता है, टाडाला फिल नाम, तो वो दवाई उसको वीकेंड पिल बोलते हैं, वीकेंड टेबलेट, मतलब उसका एक गोली लिया उसकी 20 मिलीग्राम की, तो उसका इफेक्ट दो दिन तक 36 घंटे चलता है, तो फिर वो सेकंड टाइम भी वो चांस ले सकता है समागम करने का। और फिर होता क्या है कि सेकंड टाइम उसका जल्दी गिरेगा और उसमें फिर दोनों को आनंद मिल सकता है, संतुष्टि मिल सकती है, तो उनको वो बोलते हैं। या फिर कुछ शादी के तुरंत बाद जब कुछ कपल मेरे पास में आते, पति पत्नी आते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि ठीक है पहले ऐसा करो, सम्मन आने के दो तीन घंटे पहले मास्टरबेशन करो, तो ताकि जो आपकी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो एक्साइटमेंट है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर बाद में आपने संभोग करो, समागम करो, ताकि फिर वो सेकंड जो है दो तीन घंटे या चार घंटे बाद में उसमें जल्दी गिरेगा नहीं। फिर एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आदमी मास्टरबेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली आप कर सकते हैं। मास्टर जॉनसन का टेक्निक जो आपने बताया, मैंने आपको जो बताया, उसमें स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है, स्पिस टेक्निक है, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है, तो ऐसे अलग अलग टेक्निक है जिसकी वजह से दोनों को भी समागम में आनंद मिल सकता है और बीमारी अच्छी हो सकती है। इसमें ऐसी कोई पक्की दवाई नहीं है कि दवाई लिया तो उसका फायदा हो जाएगा, ऐसा कोई दवाई नहीं है, मगर उनका काउंसिलिंग करना, साइकोथेरेपी, मास्टर जॉनसन टेक्निक, कुछ दवाइयां, ऐसा सब मिलकर उनका इलाज यदि किया तो दोनों भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसमें गलत फहमियां डालने के लिए आप मेरा जो वीडियो है ये लोगों को शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर का चैनल को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक को पेज के ऊपर आप जाके वहां भी आप पढ़ सकते हो, या हमारा वेबसाइट जो है उसको भी आप विजिट कर सकते हो। तो मिलेंगे दोबारा, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।